ऑब्जेक्टिव 34 में पूछो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ। थिन सर्कुलर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ आई हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एम, कैपिटल एम। अब वो कह रहा है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है। दी शेप ऑफ वायर इज चेंज टू स्क्वायर, सेम करंट है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, पहले लेंथ एल को किसमें बनाया? सर्कल में। सर्कल में क्या किया? एल इज इक्वल टू टू पाई आर, तो आर आ गया। कैपिटल एम क्या होगा? करंट इंटू एरिया, एरिया में आर की जगह वैल्यू पुट कर दी। केस नंबर वन कैपिटल एम आ गया। दूसरे केस में क्या बनाया? स्क्वायर। अब एल लेंथ को स्क्वायर बनाओगे तो ईच साइड क्या आएगी? एल बाई फोर, तो करंट इंटू एरिया डिवाइड कर लो आंसर, तो कैपिटल एम की रेशियो आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट? यस सर। फाइव में करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड, टांग दिया। प्लेन ऑफ द लूप विल पॉइंट इन द डायरेक्शन, कैसे, क्या करेगा ये प्लेन ऑफ द कॉइल? कहां जाएगा? जहां उसका टॉर्क क्या होगा? जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन टॉर्क जीरो, आराम से बैठ जाएगा वो। तो ऐसा कब होगा? जब कैपिटल एम बी साइन जीरो, कैपिटल एम बी साइन जीरो, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी में एंगल क्या? जीरो। तो क्या आंसर आएगा इसमें? इसका आंसर आएगा सी, ईस्ट वेस्ट। वो कैसे ईस्ट वेस्ट कैसे करोगे? वो तो ठीक है, डायरेक्शन समझ में आई, ईस्ट वेस्ट कैसे? प्लेन ऑफ लूप के साथ एंगल क्या बना? 90। कॉस की साइन, फ्लक्स नहीं है, टॉर्क जीरो होना चाहिए। अच्छा, आप कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हो, ओके। देखो, मुझे ये पता है कि लूप किस पे आने वाली है? रेस्ट पे, वहीं रुकेगी। तो अगर लूप वहां रुकेगी तो आप मुझे ये बताओ, कैपिटल एम बी साइन जीरो करना है, जो आपका अर्थ का फील्ड है ना, अर्थ के फील्ड की लाइन होगी। अर्थ का फील्ड मान लो नॉर्थ से साउथ है, ईस्ट वेस्ट थोड़ी ना होता है, नॉर्थ से साउथ ही होगा। तो अर्थ का फील्ड अगर इधर है तो मैग्नेट का, मैग्नेट जो है वो ईस्ट वेस्ट होगा, इस तरफ ऐसे लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेट ऐसे होगा तो कैपिटल एम नॉर्थ साउथ, कैपिटल बी या एच बी नॉर्थ साउथ, तो एंगल उनके बीच में जीरो, तो टॉर्क क्या आएगा? जीरो, ईस्ट वेस्ट। समझ में आया कैसे? समय क्लियर आया था? यस सर। क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में ट्राइंगुलर लूप है, एल्स लेंथ है, कैरीज अ करंट ऑफ आई, इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट प्लेन ऑफ द लूप इज इन डायरेक्शन ऑफ बी, टॉर्क क्या होगा? एक बात समझ लो, अगर बी इस तरफ है, इस तरफ है, और प्लेन भी इसी तरफ है, तो प्लेन का एरिया वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो ऐसे केस में क्या निकालना है आपको? टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क निकालना है तो बी और एम में, क्योंकि करंट कैरिंग है ना, करंट कैरिंग बी इधर जनरेट करेगा या कैपिटल एम इधर जनरेट करेगा और बी इधर है, तो एंगल उनके बीच में 90, एम बी साइन 90, तो टॉर्क हो जाएगा। अब क्योंकि करंट कैरिंग लूप है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप है, तो कैपिटल एम क्या होगा? करंट इनटू एरिया, या एन बी आई साइन जीरो कर लो, साइन 90 कर लो, एन बी आई साइन 90। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अलाइंड है लूप, तो एंगल एरिया वेक्टर में या एम वेक्टर में और बी में 90, तो ऑब्वियसली इसमें टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो इसमें एरिया क्या पुट करेंगे इक्विलेटरल का? रूट थ्री बाई फोर इंटू एल स्क्वायर आंसर। सेवेंथ में डाउट? एट्थ में डाउट? नाइन्थ में डाउट? यस सर। टॉर्क वर्सेस थीटा ग्राफ ऑफ अ कॉइल, बड़ा अजीब है, टॉर्क वर्सेस थीटा क्या होता है? अब थीटा क्या चीज है ये तो बताया नहीं उसने। चलो मैं मान लेता हूँ थीटा का मतलब है कैपिटल, क्योंकि टॉर्क का मतलब एम बी साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा? एम और बी के बीच में एंगल, सिंपल। तो एम और बी के बीच में एंगल, मान लो बी वेक्टर इधर है और लूप ऐसे है,
तो एम भी ऐसे होगा क्योंकि करंट ऐसे जाएगा, तो एम भी ऐसे होगा। और इसमें कॉयल है, करंट कैरिंग कॉयल है, तो बी भी ऐसे है, तो एंगल उनके बीच में स्टार्टिंग में जीरो है। तो टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन जीरो इज जीरो। फिर लूप 90 डिग्री पे आ जाएगा, एंगल क्योंकि अभी कैसे है, अभी तो लूप ऐसे है और बी ऐसे है, तो कैपिटल एम परपेंडिकुलर होता है लूप के साथ, तो कैपिटल एम और बी में एंगल क्या है, जीरो। फिर लूप ऐसे हो गया, तो अब कैपिटल एम और बी में एंगल 90, टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम, कैपिटल एम बी साइन 90 मैक्सिमम मैक्सिमम, और फिर क्या हो जाएगा 180 पे जीरो। सिमेट्री है ना, जीरो और 180 पे सेम वैल्यू आएगी, जीरो एंड जीरो, जबकि बाकियों में सिमेट्री बनी नहीं रही, यही बनेगा, एक बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट। यस सर। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज इन आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पी। वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको 30 डिग्री घुमाना है उसे, एक्सिस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो वो कह रहा है कॉइल ना आर्बिट्ररी पोजीशन पे है, तो आपको इसमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। देखो आर्बिट्ररी पोजीशन की प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं से भी घुमा दिया, कहीं से घुमा दिया, क्योंकि वो पहले तो कहीं पर भी था। जब वो कहीं पर भी था, ओरिएंटेशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, और आपने उसको कितना घुमाना है, 30 डिग्री घुमाना है। ठीक, तो 30 डिग्री घुमाना है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा लगाएं। प्रॉब्लम तब, ये कब फॉर्मूला लगता है वैसे, जो मैंने नोट किया है, ये ना स्पेशल केस था एक्चुअल में। स्पेशल केस क्या था, मैंने आपको वर्क डन का जो फॉर्मूला करवाया था ना, वो ये करवाया था, वर्क डन इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, याद है। फिर मैंने कहा था कि थीटा वन अगर 90 है, 90 का मतलब है कैपिटल एम और बी में एंगल 90 है, वो कब होगा, जब ये बी है और लूप इसके साथ अलाइंड है। तो लूप अलाइंड है, तो इसमें करंट कैरिंग लूप कैपिटल एम यहाँ जनरेट करेगा, एम और बी में एंगल क्या है, 90। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लूप ना शुरू में अलाइंड ही है इसके साथ, और मैंने इसको कहाँ घुमा दिया, 30। तो जब मैंने, जब ये अलाइंड मानता हूँ मैं, तो पहला एंगल थीटा वन क्या मानता हूँ, 90, और फिर मैंने थीटा टू 30 डिग्री घुमा दिया, तो थीटा टू को क्या मानता हूँ, 30। आंसर सेम आएगा, कर लेना, आंसर सेम है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेम नहीं है ये, कैसे अलग है, अलग है, अच्छा 11th है, हाँ क्वेश्चन 11th में डाउट। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस गिवन टर्न्स गिवन इन दिस कॉइल करंट 2 एम्पियर इज फ्लोइंग, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला में गिवन है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जब टॉर्क जीरो होता है, भाई आराम कर रहा है कॉइल, तो और क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम ही तो है उसका, और आराम कब करता है वो, जब टॉर्क जीरो है। टॉर्क कब जीरो है, जब एम और बी में एंगल जीरो है। जीरो कब है, जब ये बी है और कॉइल इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, ताकि एम वेक्टर इधर हो, एम वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल जीरो, एम बी साइन जीरो, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आपने अब इसको रोटेट किया, अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले कैपिटल एम इस तरफ है, बी वेक्टर भी इस तरफ है, एंगल इनके बीच में जीरो, तो टॉर्क जीरो, इक्विलिब्रियम है, ऐसे ही है। आपने 180 घुमा दिया, तो बी तो अभी भी ऐसे ही है, एरिया वेक्टर यहाँ चला गया। अब बी और एरिया में, एम में एंगल क्या हो गया, 180। तो आपको यही तो बताना है क्या, कि पहले पहले केस में आपको वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन लगा लो सीधा। वर्क डन क्या होगा, एम बी कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, शुरू में इक्विलिब्रियम में एंगल क्या है, थीटा वन जीरो, सेम तरफ है। फिर कैपिटल एम यहाँ चला गया, तो एंगल क्या हो गया, बी और एम में 180, तो 180 आंसर, तो पुट करो आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। 2 में एक रिंग है जिसका रेडियस 5 मीटर गिवन है, एक्स वाई प्लेन में गिवन है, एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर भी गिवन है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी गिवन है। इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब है 3i कैप प्लस 4 जे कैप, इसमें लगा दिया गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट अबाउट विच लूप विल लिफ्ट अप। देखो लिफ्ट अप का मतलब क्या है, टॉर्क चाहिए। जब टॉर्क होगा तो चीज़ घूमेगी, घूमेगी तो अपने आप ही ऊपर उठेगी। क्यों, क्योंकि टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जब बॉडी घूमती है तो ऊपर उठता है,
हमने रोटेशनल मोशन में किया था, टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होता है एम और बी के, अगर एम और बी एक प्लेन में टॉर्क ऊपर उठेगा, हेलीकॉप्टर है वो एग्जांपल देते थे हम उसमें रोटेशनल मोशन में, ऐसे घुमाते हैं तो ऊपर उठता जाता है, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे होती है, ऊपर जाता है, टॉर्क निकालना है सिंपल। तो मेरे को ये थोड़ा सा सही नहीं लगा, मैं ये बता देता हूँ कि इसमें करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कैपिटल एम कैसे होगा बाहर, ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये कौन सा कैप है, के कैप है, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो, आई पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू करंट, तो कैपिटल एम के पीछे आई कैप नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, के कैप आना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर है कैसे निकला कैपिटल एम, क्लियर। और बी वेक्टर तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, तो आप इसमें क्या करेंगे, एम क्रॉस बी, तो एम क्रॉस बी में क्या करेंगे, ये आपका है एम जिसके पीछे क्या लगा हुआ है, के कैप, क्रॉस बी वेक्टर क्या है, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर पाई आर स्क्वायर इंटू आई को बाहर ही रखें, के क्रॉस आई तो क्या बनेगा, देखो ये आई है, ये जे है, ये के है, के क्रॉस आई आपको जे देगा, तो पीछे क्या आएगा, जे कैप आएगा। फिर के क्रॉस जे, देखो के क्रॉस जे में फोर इंटू के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है, तो क्या आएगा, माइनस आई कैप, देखो जो आएगा बस ये आंसर होगा, तो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट माइनस फोर कॉमा थ्री आना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत लगता है मुझे इसमें, अब इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर मार्क करना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, जो नाइन्थ क्वेश्चन में आपने टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा दिया था, उसमें हम ये भी तो मान सकते हैं एन बी आई ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला कि वो वाला थीटा है, करंट कैरिंग लूप है ना, अगर करंट कैरिंग लूप है फिर लगा लो, एक ही तो बात नहीं, है। नाइन्थ क्वेश्चन जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, नाइन्थ क्वेश्चन, हाँ लगा लो, ये लो, बोलो क्या लगाना है, जो वाला फॉर्मूला था एन बी, हाँ मैंने लगाया ना एन बी आई ए कॉस थीटा वाला, नहीं मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम जब एंगल लेते हैं तो वो साइन का ही एंगल होता है हमेशा, टॉर्क हमेशा, क्योंकि कैपिटल एम क्रॉस भी रहेगा तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए कॉस में लेते नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट साइन में लेते हैं, इट्स अ वेक्टर, इसलिए तो साइन के हिसाब से आंसर देना है। ओके सर, नेक्स्ट, ठीक है ठीक है, ये शीट नंबर 34 है, नेक्स्ट शीट नंबर 35, डाउट है इसमें पूछ सकते हो, डाउट है तो, क्वेश्चन नंबर कितने लोगों ने किए, चलो कोई बात नहीं, 35 के बाद चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, 36 क्वेश्चन नंबर पूछो, 1 2 3 सर, वन में डाउट है, वन में, पॉइंट ए एंड बी आर सिचुएटेड अलोंग द एक्सटेंडेड एक्सिस ऑफ अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट, ये 2L गिवन है, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड 2x सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल नियर टू द पॉइंट द रेशियो ऑफ फील्ड बताओ। देखो एक्सियल लाइन की बात कर रहा है, एक्सियल लाइन में जो बी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है शॉर्ट डायपोल के लिए, तो बी वन प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब और बी टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x का क्यूब, तो डिवाइड करके बी वन इज टू बी टू की रेशियो आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट इज 4 सेंटीमीटर, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज गिवन, पोल स्ट्रेंथ गिवन है स्मॉल m, मैग्नेटिक पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल तो हमने किया ही नहीं आज तक, आपको याद होगा हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल का भी वर्ड भी नहीं सुना, सुन लेते हैं अब क्या फर्क पड़ता है, इतना कुछ सुन तो लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता था,
वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह म्यू नॉट बाई फोर पाई, क्यू बाई आर, क्यू की जगह स्मॉल एम बाई आर, तो कर लेना। वो क्या कह रहे हैं कि एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके मिड पॉइंट पे मुझे वी निकालना है। तो मान लो यहाँ पर प्लस वन पोल स्ट्रेंथ रख लेते हैं, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसकी एम है। अब जो नॉर्थ यहाँ पर पोटेंशियल लगाएगा, साउथ एग्जैक्टली उसका उल्टा लगाएगा, याद है स्केलर है, प्लस जो पोटेंशियल लगाता है माइनस लगाता है, कैंसिल हो जाता है। इसमें नॉर्थ जो लगाता है साउथ जो लगाता है वो कैंसिल होकर नेट आंसर जीरो, सेम रूल है इसमें। इसलिए पोटेंशियल हमने किए नहीं क्योंकि हमें ये कैंसिलेशन आती नहीं है, पर एक क्वेश्चन डल गया तो मैंने बता दिया। और इलेक्ट्रोस्टैट समझ के कर दो, बात ही खत्म हो गई, सेम आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, क्वेश्चन नंबर फाइव। टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड आइडेंटिकली ऑन ऑपोजिट आर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। आज अभी तो किया वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, इसलिए नहीं हुआ था मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं कुछ नया रूल निकला है। एंड नल पोजीशंस व्हेन दे आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इफ मैग्नेटोमीटर इज, नहीं वो नहीं है यार, ये है तो मैग्नेटोमीटर पर से टाइम पीरियड यूज नहीं किया, और हमने जो रिजल्ट किया मैग्नेटोमीटर का वो किसमें है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से। तो इसके अंदर टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस आइडेंटिकली ऑन ऑपोजिट आर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर प्रोड्यूस नल पॉइंट्स, नल पोजिशन व्हेन दे आर 8 और 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब अवे फ्रॉम द सेंटर, और वो कह रहे हैं एंड ऑन पोजिशन पे है। एंड ऑन पोजिशन क्या होता है? एक्सियल, एक्सियल तो लगा लो एक्सियल। वो कह रहे हैं कि इस केस में नल पॉइंट्स हैं। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट वो होता है जहाँ पर अर्थ का फील्ड आपके फील्ड को कैंसिल करता है। तो मान लो पहले केस में आपके फील्ड ने, एक्सियल पॉइंट ने अर्थ के एच को कैंसिल किया, और दूसरे मैग्नेट ने भी एच को कैंसिल किया, तो ये भी एच के इक्वल, ये भी एच के इक्वल, दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके आंसर आ गया। मैंने इंडिपेंडेंट दो इक्वेशन बनेंगे ना, दोनों एच को कैंसिल करती हैं। न्यूट्रल पॉइंट में क्या कैंसिलेशन होती है? एच कहीं तो कैंसिल होता है, अर्थ का फील्ड ही तो कैंसिल होता है, आंसर। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट, डाउट सिक्स में। स्टील वायर है जिसकी लंबाई एल है, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, ये लो कैपिटल एम है, तो इसकी मान लो पोल स्ट्रेंथ छोटा एम है। सेमी सर्कल आर्क है, ये बनी आर्क। अब आर्क में क्या होगा? इसका रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि अब ये डिस्टेंस क्या है? 2r है। तो रेडियस क्या निकलेगा? l इज इक्वल टू पाई आर, r इज इक्वल टू कितना? l डिवाइडेड बाय पाई। तो कैपिटल m की वैल्यू इसमें क्या होगी? स्मॉल m इनटू कितना? 2r। तो आप इस r को यहाँ पुट कर दें, डिवाइड कर लें, क्योंकि कैपिटल m यहाँ पर क्या है? m इनटू l। तो इसे डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा m डैश बाय m की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट। यस सर। आज ही किया ये तो, चलो आज वाकई किया। कैसे? बार मैग्नेट ऑसिलेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ताकि उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। जब भी बार मैग्नेट और टाइम पीरियड की बात हो तो फॉर्मूला वही, टी इज इक्वल टू 2π रूट आई अपॉन एम एच। तो मैग्नेटिक डायपोल, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो एक और बार मैग्नेट लिया सेम साइज का, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स बढ़ा है, टाइम पीरियड क्या होगा? तो कैपिटल टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो एम वन है तो टी वन, एम टू है टी टू, तो ये 4 टाइम्स है, 1/4 का अंडर रूट 1/2, आंसर। ठीक, आज का फॉर्मूला काम होगा, काम आएगा इसमें। एट्थ में सेम है जी, सेम है, आज कर लिया आपने। कैसे? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 2 बार मैग्नेट। अब 2 बार मैग्नेट्स हैं, अब पता नहीं उनका साइज सेम है कि नहीं सेम, और टाइम पीरियड की रेशियो गिवन है √7:1। व्हेन वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एम की वैल्यू इसमें क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना है, जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम है, राइट? वो कैपिटल एम है। तो अब इस केस में जब मैग्नेट सीधी रखी हुई है तो एम वन प्लस एम टू है, और एक उल्टी रख दी तो एम वन माइनस एम टू है, तो डिवाइड कर ले, आज हमने किया, तो यहां से आंसर आएगा आपके पास। ठीक है यहां तक?
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नाइन्थ में डाउट, डाउट यस वही सर। आज वही सेम क्वेश्चन हमने किया ही नहीं। कैसे? टू बार मैग्नेट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर प्लेस्ड पोल टू पोल, नॉर्थ नॉर्थ के साथ साउथ साउथ के साथ, टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, व्हेन देयर मोमेंट्स आर इन द रेशियो 1:2, तो एम वन एम टू की रेशियो के बने, पोलैरिटी ऑफ फर्स्ट इज रिवर्स्ड, यानी कि नॉर्थ साउथ के साथ साउथ नॉर्थ के साथ, तो पहले केस में एम वन प्लस एम टू, दूसरे केस में एम वन माइनस एम टू, तो याद है टाइम पीरियड इन्वर्सली वही सेम रिजल्ट ये रहा, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो टाइम पीरियड की रेशियो आएगी ऐसी स्क्वेयरिंग करके, आज हमने किया था, तो टाइम पीरियड और कैपिटल एम का रिलेशन आपको पता है, तो आपको ये भी पता है एम वन टू टाइम्स एम टू, तो पुट किया एक का टाइम पीरियड गिवन है और दूसरे का टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर राइट। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन, टेंथ में वर्क डन टू टर्न अ मैग्नेट बाय 60 डिग्री फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे एम और बी में एंगल क्या रहता है? जीरो, ताकि टॉर्क जीरो आए, और आपने उसको कितना घुमा दिया? 60 डिग्री, तो पहला एंगल क्या है? जीरो, दूसरा एंगल क्या है? 60, आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना किया? डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का ये फॉर्मूला आ गया। फिर वो क्या कह रहे हैं? टॉर्क कितना चाहिए, टॉर्क कितना चाहिए इसको पकड़ के रखना है मुझे, तो कितना पकड़ के रखना है? 60 डिग्री पे, तो टॉर्क कितना चाहिए? एम बी साइन 60। अब एम बी की वैल्यू आपको यहाँ से पता है, इन्हें इक्वेट करो, तो एम इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू डब्ल्यू, उसको उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर डब्ल्यू की फॉर्म में टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहले टॉर्क, पहले वर्क डन निकाला, एम बी ये आ गया एम बी बाई टू, तो एम बी क्या है? 2 इंटू डब्ल्यू, टॉर्क में एम बी चाहिए, एम बी की जगह डब्ल्यू बाई टू, आंसर क्योंकि आंसर डब्ल्यू की फॉर्म में दे रहे हैं ना, एम बी की फॉर्म में नहीं देना। टेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 11 में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है सोलेनोइड के सेंटर पे और एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अच्छा आपको इसमें एच निकालना है, तो ठीक है यार एच का तो फॉर्मूला है कि एन इंटू आई, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो एच याद है एन इंटू आई, सिंपल। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, यस सर 13, 13th में बार मैग्नेट विद पोल्स इतने सेंटीमीटर अपार्ट, तो एक बार मैग्नेट है और उनके पोल्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, ये रो ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ है, एंड पोल स्ट्रेंथ भी गिवन है, स्मॉल एम की वैल्यू भी इसमें गिवन है, सेंटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस पॉइंट, इट इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम एट 60 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी गिवन बाय अप्लाइंग एफ एट राइट एंगल टू द एक्सिस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट, तो यहाँ से इसको पिवट कर रखा है, तो मैंने यहाँ पर इसको फोर्स की वैल्यू लगाई और ये 60 डिग्री टेढ़ी होगी मैग्नेट, और ये डिस्टेंस कितना है? 12, तो रोटेशनल मोशन में क्या किया था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है, फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 12, टॉर्क है और आपने पकड़ के रखा हुआ है 60 डिग्री पे, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है? वापस भी तो आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, रिस्टोरिंग टॉर्क एम बी साइन 60, इक्वेट कर दो एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर, तो एक टॉर्क निकलेगा रोटेशनल मोशन में और एक टॉर्क निकलेगा एम बी साइन थीटा से, इक्वेट करोगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, यस सर, फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स विद मैग्नेटिक मोमेंट एम वन एंड एम टू जिनका सेंटर्स आर आर मीटर अपार्ट इज गिवन 8 व्हेन देयर एक्सिस आर इन द सेम लाइन, अगर सेपरेशन इज इंक्रीज टू 2R तो फोर्स क्या होगी? देखो जो जो रूल है फोर्स का, अब पॉइंट ये है कि इसमें ना दो मैग्नेट्स नहीं है, इसमें बार मैग्नेट है, और फोर्स कहाँ निकल रही है? टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स विद मैग्नेटिक मोमेंट एम वन एम टू सेंटर आर डिस्टेंस अपार्ट है, देखो ये हमने वैसे किया नहीं है, ये थोड़ा रिजल्ट शॉर्टकट ही लगाना पड़ेगा इसमें, इसके अंदर ना कुछ ऐसे केस है, ये एक बार मैग्नेट है और ये एक बार मैग्नेट है ऐसे, और इनके बीच में सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? आर, तो पोल स्ट्रेंथ एम वन एम वन एम टू कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसे बनेगा पोल स्ट्रेंथ,
ऑब्वियसली कोई नॉर्थ होगा या साउथ होगा, नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे होगी। तो इनके बीच में नेट फोर्स मैंने आपको बताई तो थी कि चार फोर्सेस निकलती है नेट फोर्स के लिए। ये इसे अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, फिर नेट फोर्स आएगी, सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करने के बाद रिजल्ट आएगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, रिजल्ट याद कर लो। तो एफ जो है अप्रॉक्सीमेटली जब हम सॉल्व करेंगे वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा रिजल्ट से आंसर आ जाएगा। हालांकि नेट पे डेरिवेशन चाहो तो ढूंढ भी सकते हो, पर करने की जरूरत नहीं, आर क्यूब आती नहीं है ज़्यादा, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिजल्ट लगा देना करना, लेकिन लंबे तरीके से, वो काफ़ी लंबा तरीका पड़ेगा इसमें। 15th में स्टील वायर है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, इट इज बेंड इन एल शेप। तो ये एल है, पोल स्ट्रेंथ एम है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम इनटू एल, इक्वेशन नंबर वन। एल शेप में इसे बेंड कर दिया, एल शेप का मतलब क्या है, एल बाई टू और एल बाई टू, तो ये क्या है इसकी पोल स्ट्रेंथ। तो अब इनमें डायपोल मोमेंट क्या होगा, कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू ये डिस्टेंस क्या बनेगा, एल बाय टू का स्क्वायर प्लस एल बाय टू का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट ऑफ एल बाय टू का स्क्वायर प्लस एल बाय टू का स्क्वायर, ये रहा एम डैश। तो एम डैश और एम को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 16, 17. मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम इज डिवाइडेड टू फोर इक्वल पार्ट सो दैट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ दैट ऑफ द ओरिजिनल मैटर। लेंथ और ब्रेथ दोनों को आधा आधा कर दिया। पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू इसमें क्या होगी, देखो जब ब्रेथ हाफ करते हैं तो स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, ऐसे ना कराया था ना कि अगर ये बार मैग्नेट है इसको अगर ऐसे काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आता, ऐसे काटेंगे तो एम बाई टू हो जाती है। तो दोनों में काटा इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे एम बाई टू आंसर एम बाई टू। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 में थिन सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट हैज अ रेडियस गिवन एंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर बी गिवन। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसके अंदर इसको मॉडिफाई किया, देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग लूप का करंट इनटू एरिया होगा। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है, करंट कैसे निकलेगा, बी सेंटर पे गिवन है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, करंट निकाल के बी गिवन है पुट करके आंसर आ जाएगा। लंबा तरीका है ऐसे करना, करंट इनटू एरिया लगा लेना बस, ठीक। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यस सर 26 कह रहे हैं, लार्ज मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस और काटा ही है, ब्रेथ वाइज नहीं है, अगर कुछ नहीं बोलता तो लेंथ वाइज ही काटा है, तो पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम 1:1। 27, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज गिवन, कैपिटल एम गिवन है और उसको बी बी की वैल्यू भी गिवन है, कपल का मतलब टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट व्हेन डिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री, तो कर लो कपल का मतलब टॉर्क है भाई, एम बी साइन 30 आंसर राइट। 28, 29, 28, मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट एंगल का मतलब थीटा 190 है, रोटेटेड थ्रू 180, 90 तो पहली एंगल था, 90 और घुमा दिया तो टोटल 270, वर्क डन कितना लगा, cos 270 भी 0 है, cos 90 भी 0 है, तो आंसर 0।
29, 30,